हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निशाज वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे। और हम भी ऊपर वाले की कृपा से और आप सब की दुआओं से एकदम ठीक हैं। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है ईद के साथ और अक्षय तृतीया के साथ। बहुत ही आज ब्लेसिड डे है और आज मैं जो भी करूंगी, जहां भी जाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं सबसे पहले INA मार्केट जा रही हूँ। मैं वहां का दिखाती हूँ आपको कि वो मार्केट में कितना रश होता है। INA मार्केट के बारे में मैं आपको बताऊं, INA मार्केट वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है दिल्ली की। और वहां पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत रश होता है, क्योंकि वहां पर बहुत फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती है, सी फूड भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, बहुत अच्छे मसाले और फ्रेश मसाले मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं और भी चीजें मिलती हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत फेमस है और इम्पोर्टेड फूड आइटम भी मिलता है, जो कहीं पर नहीं मिलता सामान वो आपको INA मार्केट में मिल जाता है। मुझे जहां तक याद है फ्रेंड्स, मेरी मम्मा भी यहीं से मसाले लेती थी और उनका कहना होता था कि सब्जी अगर अच्छी बने तो वो मसाले पे डिपेंड करती है, तो वो हमेशा INA मार्केट से मसाले लेती थी और हम भी अब INA मार्केट से ही मसाले लेते हैं। बहुत फ्रेश मसाले मिलते हैं, बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं, सब्जी बहुत अच्छी मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मी में भी देखो वहां पर कितना रश रहता है। हम प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में ही जाना वहां पर, ताकि पार्किंग अच्छी मिल जाए, जल्दी मिल जाए और जल्दी अपना सामान लेकर हम अपने घर वापस आ सकें। तो चलिए, अगला स्टॉप है INA मार्केट का। आज कितनी सुनी सुनी रोड लग रही है ना, सब लोग घर में बैठे ईद मना रहे हैं और अक्षय तृतीया मना रहे हैं। रोड पे बहुत ही कम लोग हैं और कितना खूबसूरत रोड लग रहा है। देखो सर, यस फ्रेंड्स, ये द्वारका का वेगास मॉल है। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा वेगास मॉल या वेगास मॉल है। और यहाँ पर हमारी एक किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई। मुझे बहुत ही अच्छा मॉल लग रहा है, बहुत बड़ा मॉल है और पूरे राउंड में है। जितना मैं आपको दिखा सकी ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने ये मुझे एरिया संजय दिखाना सैमी को दिखाना, ये मुझे एरिया इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला यहाँ खड़े होकर मुझे जो बोलना है वो मैं बोलती हूँ। और बहुत ही अच्छा मॉल लग रहा है, वेरी नीट एंड क्लीन, कम लोग दिख रहे हैं और बहुत ही क्लासी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में कि किस तरीके से ये राउंड में है और काफ़ी बड़ा मॉल है। द्वारका फ्रेंड, जब हम चिड़ी चिड़ी में आते थे तो इतना इस्टेब्लिश नहीं था, पर अभी जब हम आते हैं देखते हैं एक से एक यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं और मार्केट्स, हर 5 मिनट के बाद मार्केट है। हो सकता मैं गलत बोल रही हूँ, हर 3-4 मिनट के बाद मार्केट है। बहुत ही सिटीज है यहाँ पर और बहुत ही वेल इस्टेब्लिश द्वारका लगता है अभी। जहाँ देखो अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है और कहीं पर बहुत ही नीट एंड क्लीन है।
क्या खाना है। यस फ्रेंड्स, आज हमें किसी ने लंच पे बुलाया है तो हम यहाँ पर आए हैं। ये जगह हयात के सामने है, वन गोल्डन माइल, और वहाँ पे 4 रेस्टोरेंट हैं जिसमें हमें कोजी बॉक्स में बोला है बैठने को। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब हम आए थे, उसके बाद हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं। देखते हैं खाना कैसा होगा, फिर मैं बताती हूँ आपको। सुबह मैंने बताया था, हमने मीटिंग में जाना था द्वारका में, हम वहाँ पर गए और वहाँ से जब लौट रहे थे तो सैम के एक फ्रेंड हैं जिन्होंने हमें रास्ते में ही रुकने को बोला और एक ऐसी जगह पे लंच पे बुलाया जहाँ पर हम पहली बार गए थे और बहुत अच्छा खाना था और वेरी रीजनेबल रेट पे। एम्बियंस वॉज वेरी गुड। मैं थंबनेल में भी उसका डालूंगी और वीडियो की क्लिप पे भी डालूंगी, अगर आप कभी विजिट करना चाहें तो ज़रूर विजिट करें। फ्रेंड्स, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, नेगेटिव बातें कभी मैं शेयर भी नहीं करना चाहती, पर मैं एक बार ज़रूर शेयर करूंगी। कल का दिन बहुत ही गंदा दिन था, बहुत गंदा दिन था। एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे को ही हमेशा बोलते हैं बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने को या कुछ भी करने को, किसको क्या देना है वो मेरे को ही बोलते हैं और मैं ही करती हूँ। तो दोपहर में कल मेरे हस्बैंड ने बोला, चलो 3 बज गए थे, तो बोले चलो खाना ले आओ, आज बेडरूम में ही खाएंगे क्योंकि हॉल में एसी इतना ठंडा नहीं हो रहा, तो हॉल में ही बेडरूम में ही खाएंगे। तो मैं खाना लेकर आई, जब तक मेरे हस्बैंड मेक माई ट्रिप पर फ़ोन करने लगे, तो मैंने खाना रखा, मैंने कहा खाना ठंडा हो जाएगा, तो बोले एक मिनट की बात है। तो मेक माई ट्रिप पर उन्होंने कॉल करा, गूगल से उनका ढूंढा और फिर उन्होंने उनको कॉल करा, उन्होंने कॉल उठाया, उन्होंने कहा मुझे अपना, मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे को अपना GST अपडेट कराना है। तो उधर से एक आदमी ने बोला, ठीक है सर, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस हैपनिंग के बारे में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अलर्ट हो जाएं। हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना करा था कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, YouTube मेरी फैमिली है और मैं हर बात उनके साथ शेयर करती हूँ, मैं ये बात ज़रूर बताऊँगी ताकि वो लोग भी अलर्ट हो सके। तो उसने बोला कि सर GST आपको अपडेट कराने के लिए 10 रुपीस पे करने होंगे, वो भी ऑनलाइन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, क्योंकि गूगल से ढूंढा पूरा एकदम सही था, तो मेरे हस्बैंड ने ठीक है मैं करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग ऑनलाइन कभी भी ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो हमारा जो फ़ोन होता है वो हमारा नंबर हम सेव कर देते हैं, अपने कार्ड वगैरह का नंबर। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी अपना नंबर मेरे कार्ड का और उनका कार्ड का नंबर सेव कर रखा था। ये मेरे हस्बैंड वो अकाउंट है, सेविंग का अकाउंट था, जो कभी कदार चलाते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं रहता। तो उनके अकाउंट में 25,000 रुपये थे। तो उन्होंने जब जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन के लिए कार्ड नंबर डाला तो 2 डिजिट के बाद कार्ड नंबर आ गया और उन्होंने उसको क्लिक, जैसे ही करा क्लिक तो वैसे ही बैंक से 22,725 रुपए निकल गए। तो इनको एकदम जैसे पॉपअप होता है, जो मैसेजेस होते हैं तो काम कर रहे होते तो पॉपअप होता है, तो एकदम इन्होंने कहा 22,725 रुपए निकल गए, तो अभी कुछ करे ही नहीं। मैंने बोला अच्छा, तो इन्होंने उस चीज को रोक दिया और उस जो आदमी था उसने फटाक से फोन को काट दिया। हमने एकदम खाना छोड़ा और तुरंत एकदम जो कस्टमर केयर है, ICICI बैंक है हमारा, कस्टमर केयर को एकदम फोन करा। तो कस्टमर केयर को फोन करा, उन्होंने एकदम एक्शन लिया और उन्होंने फॉर्म वगैरह भरने को कहा, सारी इंक्वायरी ली। उन्होंने कहा सर टाइम लगेगा, लेकिन यू नेवर नो, इन्वेस्टिगेशन टीम हमने इस पे सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, टाइम लगेगा
और आपका हो सकता है सॉल्व भी हो जाए ये प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, मेरा बताने का मतलब यही है आप लोगों को कि आप लोग भी अलर्ट रहें जब भी कुछ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ऐसे स्कूल में मैंने पढ़ाया है, सेंट जॉर्जिस स्कूल में, हम जो भी काम करते थे हमें आदत थी कि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चेक करते थे, रीचेक करते थे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वही आदत मेरी अभी भी है। अगर मैं कुछ भी काम करती हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हूँ, तो मैं 3-4 बार उसको चेक करती हूँ। क्लिक, मैं तो जब किसी का फिगर डालती हूँ, कार्ड नंबर चेक करती हूँ, और 3-4 बार मैं चेक करती हूँ कि मैं सही तो दे रही हूँ, कहीं जीरो मैंने ज्यादा तो नहीं लगा दिया, कहीं मैंने फिगर कम तो नहीं लगा दिया। लेकिन ऐसी मिस हैपनिंग हो गई। थैंक बोलती हूँ मैं अपने स्कूल को, अपनी प्रिंसिपल मैम को, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा और वहीं से मेरे को ये काम आ रहा है। हमारे स्कूल में क्या होता था कि हम रिजल्ट को बार बार चेक करते थे। एक क्लास टीचर एक व्हाइट शीट बनाती थी, प्रिंसिपल के पास जाने से पहले टीचर, सुपरवाइजर सब मिलके उसको दो दो तीन तीन बार चेक करते थे, चेकर्स लगाते थे, चेक करते थे। जब पूरा सही हो जाता तब मैम के पास लेके जाते थे। तो रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी मेरी सलाह है, जल्दबाजी ना करें, कुछ भी काम करें उसको रीचेक करें ताकि आपको तसल्ली हो सके बैंक का हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ऑनलाइन बहुत डेंजरस है, बहुत इजी भी है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बहुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा बताने का मतलब यही था कि कभी भी ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखें। मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट और बहुत सैड थे, क्योंकि देखिए बहुत लोगों के लिए 22,725 रुपए कुछ नहीं है, पर आज के समय में हमारे लिए बहुत है। पैंडेमिक के बाद हमारे लिए बहुत है, वैसे भी बहुत है। मेहनत की कमाई का अगर 2 रुपया भी चला गया वो भी बहुत है। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, जो मीटिंग सबने तय कर रखी है हम उस पे जाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, कोई इस बात का ध्यान ना दे। उस कल के बाद हमने इस बात को रिपीट नहीं करा, इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट भी हो गया। पर एनीवे, मैं आप सब के लिए प्रेयर करती हूँ कि कभी भी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।